सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन सुवेलकम है। तो जैसा कि आज आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया गया था कि आज 31 मई को कैबिनेट में बैठक होने वाली थी, उसका क्या हुआ। और जैसा कि कुछ ही दिन पहले आप लोगों को एक अपडेट भी दिया गया था कि 29 मई को झारखंड पुलिस को लेकर के पुलिस मुख्यालय में इसकी बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ देखने को मिला, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग वन बाय वन डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते हुए ये चलता हूँ कि आप कुछ दिन पहले देख पा रहे होंगे और कहीं पर भी यदि आप ये सुनते होंगे कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी 13,000 लगभग आ रही है, तो वो सारे फेक न्यूज है। 13,000 के समथिंग वैकेंसी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी 6,000 में कुछ आप लोग को ऐड देखने को, 6 से 6,500 तक ही आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही की या सीजल की या 12th लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी है कर रहे हैं, तो बस आप लोगों को माइंड में एक तरफ ये फिट चिप में एक तरफ ये बैठा के चलना है कि झारखंड पुलिस का भी तैयारी करना है। सिर्फ दिमाग में ये चीज़ बैठा करके रखना है, क्योंकि उत्पाद सिपाही का जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, चाहे एग्जामिनेशन का बात करें या फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो वो सब पूरा मैच करता है आप लोग का झारखंड जिला पुलिस से। जो उत्पाद सिपाही में होंगे वही आप लोग का झारखंड पुलिस के लिए वही मेजरमेंट, वही सिलेबस, वही क्वालिफिकेशन, वही फिजिकल, वही रिटेन एग्जामिनेशन, यानी कि टू कॉपी एज इट इज, पूरा वही टू कॉपी एक्साइज कॉन्स्टेबल का ही इसमें झारखंड पुलिस में देखने को मिलेगा। तो दिमाग के एक कोने में से फिट करके रखना है कि पैरेलली हम लोगों को झारखंड जिला पुलिस की भी तैयारी करनी है, और इसका भी वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो इस पेपर कटिंग से माध्यम से बहुत ही पहले ये आप लोगों को बताया जा रहा था, 6,000 सिपाही भर्ती की बहाली, जिसका कि डाटा तैयार कर लिया गया है, और इसके बहुत ही जल्द पुलिस मुख्यालय द्वारा इसे गृह विभाग को सौंप दी जाएगी। तो गृह विभाग को सौंपने के बाद गृह विभाग ने ये निर्णय लिया था, गृह विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े ऑफिसर, चाहे पुलिस निदेशक की बात करते, जो DIG साहब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन अधिकारियों के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 29 मई को गृह विभाग में ये बैठक होने वाली है। तो उस दिन बैठक हुई थी, और उस दिन के बैठक से यह निकल के आ रही है कि कंप्लीट जो डाटा दिया गया था 6,000 वैकेंसी को लेकर के, वो पूर्ण रूप से सही है। तो और ये जो भी गृह विभाग है, गृह विभाग के द्वारा बहुत ही जल्द इसे, गृह विभाग के द्वारा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गृह विभाग के द्वारा बहुत ही जल्द JCC आयोग को इसके वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उनको भेज दिया जाएगा नोटिस। तो जो भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो ये डाटा तैयार किया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा 6,000 सिपाही भर्ती के लिए, तो ये सीट पक्की निकली, और गृह विभाग ने भी ये निर्णय लिया कि वाकई में 6,000 प्लस वैकेंसी सिपाही में अभी यहाँ पे जरूरी है। और गृह विभाग यह देखते हुए बहुत ही जल्द JCC को यह नोटिस भी भेजने वाली है, जो कि आने वाले दिन में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब नोटिस भेजा जाएगा सो, और किस दिन भेज दिया गया है सो। अभी नोटिस भेजा नहीं गया है, बट भेजने की बात चल रही है कि JCC आयोग को अब इसका रोस्टर जो तैयार किया गया था 6,000 भर्ती को लेकर के, जो रोस्टर क्लियरेंस तैयार किया गया था, उस चीज़ को JCC आयोग को अब सौंप देने की समय आ चुकी है। तो आप इसका भी पैरेलली तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले कुछ बीच समय में शुरुआत में पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे थे, बट बीच में किसी 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 कारणवश कुछ कुछ इस प्रकार से घटना घटित हुई, जिस कारण से उनका डिमोरलाइज हो गए और वो तैयारी छोड़ दिए, लेकिन पुनः अब वो दोबारा से तैयारी में लग चुके हैं। सो उसी को देखते हुए अब आप लोग को भी तैयारी में लगना है, वरना कहीं आप इस दौर में आप कहीं पीछे ना छूट जाए, और इस दौर में छूट जाते हैं पीछे तो यकीन मानिए आने वाले 5 वर्ष आप लोग को एक्सपेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिस प्रकार अभी आप देख ही पा रहे होंगे। और ये झारखंड की नहीं, ये ऑल इंडिया, सभी भारत के सभी जिलों में इसी प्रकार की जिला जो वैकेंसी है, स्टेट की वैकेंसी, राज्य की वैकेंसी में इसी प्रकार से कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो अब ये आप लोग अच्छी तरह के समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है सो। तो पैरेलली बस आप लोगों को उत्पाद सिपाही तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट, साथ में सिर्फ दिमाग में फिट कर लेना है झारखंड जिला पुलिस की, क्योंकि
टीचर झारखंड टीचर बहाली के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी बहाली के रूप में साबित होती है। टीचर की बहुत ही बड़ी भर्ती आती है और दूसरे नंबर पे कांस्टेबल सिपाही की। इसके अलावा कोई भी वैकेंसी है जो कि इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और रही बात 31 मई आज का, तो आज का अपडेट अभी वैसा कुछ निकल के नहीं आया है, बट जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा इसी के माध्यम से कि क्या कुछ आज की बैठक में हुई है जो। और रही बात यदि आप लोगों का, तो बैक टू बैक आप लोगों को वीडियोज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसा कि कल से आप लोगों का उत्पाद सिपाही का फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। और ये आप असमंजस में नहीं रहिए कि वैकेंसी फिर से रद्द हो जाएगी, ये जो 60-40 का नियुक्ति है ये कोर्ट में जाने वाला नहीं है। कोर्ट में कोई भी वैकेंसी कब जाती है, जब किसी को वंचित रखा जाता है, फॉर्म भरने से वंचित रखा जाता है, वही कैंडिडेट जाके केस करता है। लेकिन इस नियोजन नीति के तहत पर कोई भी ऐसा एक्सेप्शन, अपवाद में भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं छूटेगा जिनको कि फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब जब कोई कैंडिडेट ही नहीं बचेगा तो कौन वहाँ पे जाके कोर्ट केस करेगा, कोई नहीं करेगा। जब कोर्ट केस नहीं करेगा तो साफ सुथरे तरीके से इसकी नियुक्ति होगी, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये 60-40 भले ही कुछ इसमें है कमी यहाँ पे झारखंड के जो कैंडिडेट है उसके लिए ये ठीक नहीं है, बट इसी नीति के तहत आप लोगों की भर्ती करवाई जाएगी। चाहे जो भी तमाम वैकेंसी हो, उत्पाद सिपाही, CGL, PGD, सारे वैकेंसियाँ इसी नियोजन नीति के तहत लाई जा रही है और इसी के तहत नियुक्ति भी आप लोगों को दी जाएगी। तो बस आप लोगों को ये सिर्फ हताश नहीं होना, बैक टू बैक आप लोग लगातार कंटिन्यूसली अपने कमजोरी को देखिए और उस पर काम कीजिए। और यकीन मानिए ये सिर्फ कहने का 60-40 है, 80 से 90% आप ही लोगों का यहाँ पे नियुक्ति होगा, क्योंकि आप 2-3 वर्षों से लगातार से पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। भले ये यहाँ के कैंडिडेट के लिए दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बट कुछ नहीं, वो तो आने वाला समय में सरकार को बताना ही है, जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है इसका। तो बस आप लोग लैंग्वेज पेपर और झारखंड, इन दो टॉपिक्स, इन दो विषय पर आप लोग पूरी पकड़ बना लीजिए। यकीन मानिए आप लोग को मेरिट से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। आप भी देखते होंगे कि आप किसी भी वैकेंसी की 2-3 महीने तैयारी करते तो आपका भी वहाँ पे रिजल्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बाहर का जो स्टूडेंट है वो समझिए कि 3-4 महीना में पढ़ के क्या चीज कर लेगा, वो तो क्षेत्रीय भाषा पढ़ नहीं सकता, झारखंड GK पढ़ नहीं सकता, लेकिन इस एग्ज़ाम में स्कोरिंग है क्षेत्रीय भाषा का ही और झारखंड का ही स्कोरिंग है, जो कि आप लोगों की ये दोनों विषय मजबूत है और आप लोगों की इन दोनों विषय पर पकड़ है, क्योंकि आप 2-3 वर्षों से लगातार से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग को अपने आप को कमज़ोर नहीं, बस आप लोग को मोटिवेट रखना है और जम के लड़ाई लड़ना है। बस आप लोग को पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचिएगा तो आप लोग के पॉजिटिव वर्क दिखेंगे, आप लोग का जो पॉजिटिव कार्य है वह करेंगे और उसी का पॉजिटिव आपके थॉट आपके दिमाग में आएंगे, इससे आप लोग को और ऊर्जा मिलेगी और पढ़ने में भी आप लोग को मन लगेगा। तो यही कुछ है जो कि आप लोग को अपडेट देने थे। और हाँ एक बार फिर से पुनः सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप लोग बैक टू बैक फिजिकल और रिटेन दोनों का प्रिपरेशन करें, क्योंकि फिजिकल ही सबसे पहले इसमें होने वाला है, देन आप लोग का रिटेन एग्जामिनेशन होगा। यदि इस बार कई किसी कारणवश चूक जाते हैं, यदि दूसरे के कहने पर आप अपनी तैयारी को नहीं करते हैं और चूक जाते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही आप लोगों को अंदर से वो ख़राब फीलिंग महसूस होगा, बहुत ही ख़राब, उस सिचुएशन को आप झेल नहीं पाइएगा। तो बेहतर होगा कि अभी आप लोगों को 6 मंथ पूरी अपनी तैयारी में पूरा कमरा को बंद कर लीजिए, कोई घर द्वार, कोई भी रिश्तेदारी, कोई भी नातेदारी, शादी ब्याह, कोई भी पर्व त्यौहार, कुछ चीज़ नहीं देखना आप लोगों को। आप लोगों का पर्व त्यौहार जो भी शादी ब्याह है उसी दिन होगा जिस दिन आप लोगों की मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, जिस दिन आप लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा उसी दिन सारे पर्व त्यौहार उसी दिन आपके होंगे, सारे रिश्तेदारियों की शादी आप लोग उसी दिन अटेंड कीजिएगा। तो ये बस इस प्रकार की पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग तैयारी में लग जाइए और आशा भी करता हूँ कि आप लोग बैक टू बैक तैयारी करते ही आ रहे होंगे। बस आप लोग की तैयारी में एक प्रकार से ये इन्हेंस करने का काम किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से।
कि आप लोगों को कैटलिस्ट उत्प्रेरक तो पता ही होगा, आपके जो पढ़ने की जो रणनीति है उसको और उत्प्रेरक उत्तेजित करने का बस ये प्लेटफॉर्म आपको ये प्रयास कर रहा है कि आप लोग का उत्प्रेरक के रूप में यह चैनल आप लोगों का साबित हो। बस आज के इस सेशन में यही अपडेट देना था कि जो झारखंड पुलिस का था उसका क्लियरेंस हो चुका है, बहुत ही जल्द आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।